Determine the parameter of an RLC circuit that will resonate at 1000 hertz. हमें एक RLC सर्किट के बारे में बताया गया है. इस सर्किट की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1000 हर्ज. हर्ज मतलब FC गिवन है, WC नहीं, WC रेडियन पर सेकंड में होगा. इसकी बैंडविड्थ गिवन है बच्चों, बैंडविड्थ गिवन है 100 हर्ज. एंड ड्रॉ 16 वाट फ्रॉम अ 200 वोल्ट जनरेटर ऑपरेटिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. पावर गिवन है हमें 16 वाट. पावर गिवन है 16 वाट. सबसे पहले हम वर्क करते हैं, क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं. रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, पावर दिया हुआ है, ठीक है. ये पावर हमें कब मिला? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर. जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी था तब पावर मिला. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बिहेव कैसा करता है? प्योर रेजिस्टिव की तरह. और सर्किट प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा तो पावर कितना होगा सर्किट में? आई स्क्वायर जेड के बराबर. और जेड नहीं, एक्चुअल में आर होना चाहिए सर्किट में. 16 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. और क्या फॉर्मूला होता है आई का? वी डिवाइड बाय आर. ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर. ये भी तो होगा. वी कितना है? 200 वोल्ट सप्लाई गिवन है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर. 200 वोल्ट सप्लाई थी तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर. आर आ जाएगा 440 डिवाइड बाय 16. बोलो जल्दी से कितना आया? ओम. इसका सेकंड पार्ट है. क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में हम क्वालिटी फैक्टर निकालते हैं. क्या होता है क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज. साथ ही साथ एक और डेफिनेशन पढ़ी है हमने, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ. यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है 1000, इसे वीसी एफसी बोला है मैंने यहाँ पे, डिवाइड बाय 100. कितना हो गया क्वालिटी फैक्टर? 10. मतलब वोल्टेज लेवल कितना गुना बढ़ जाएगा? 10 टाइम्स बढ़ जाएगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंस पर. तीसरा हम लोगों को इंडक्टेंस निकालना है. क्वालिटी फैक्टर की एक और ऐसी डेफिनेशन हम ढूंढते हैं जिसमें एल आता हो. याद करो बेटा, ओमेगा नॉट एल बाय, क्या बताया था मैंने अभी प्रूफ किया था, ओमेगा नॉट एल बाय आर. बिल्कुल तुरंत बोलते हो क्या? ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ नॉट एल बाय आर. 2 इंटू पाई इंटू एफ नॉट. कितना एफ नॉट? 1000 इंटू एल निकालना है, डिवाइड बाय आर. कितना आर निकाला हमने? 2500. क्यू की वैल्यू कितनी पता है? 10. एल कितना आएगा? 10 इंटू 2500 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर में करना है हमें, इंटू 1000. मेक यूज ऑफ द कैलकुलेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. 5000 कर लिया मैंने. नीचे 2 मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ 1000 इज इक्वल टू 3.9789 को मैं 98 हेनरी लिख देता हूँ. एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस निकालना है. कैसे निकाली कैपेसिटेंस जल्दी बताओ? हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. रेजोनेंस का सर्किट है, पूरे सर्किट में रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है.
तो होना क्या चाहिए एक्चुअल में, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज एक्सएल और एक्सी इक्वल होना चाहिए और इसकी वोल्टेज भी इक्वल होना चाहिए। फिर हमें एल पता चल गया, तो जितना भी एक्सएल होगा वही एक्सी होगा, सिंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी एट रेजोनेंस, जानते ये बात हम। व्हाई डू नॉट यूज दिस रिजल्ट, तो एक्सी हो जाएगा एक्सएल के इक्वल टू पाई एफ, क्या है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे, एल एल की जगह क्या रखेंगे, इसे सॉल्व करोगे तुम्हें एक्सएल आ जाएगा, सॉरी एक्सी आ जाएगा और एक्सएल के इक्वल है, तो टू मल्टीप्लाइड विद पाई मल्टीप्लाइड विद 1000 मल्टीप्लाइड विद 3.98, इट कम्स आउट टू बी 2500.0775। डबल जीरो है, हमें सी चाहिए, ये किसके बराबर होता है 2πfc, किसके इक्वल आ गया इस वैल्यू के, तो 2500.0775, तो सी आ जाएगा यहाँ से 1/2 × π × 1000 इसे सॉल्व कर लो, बोलो कितना आया। वन डिवाइड में टू मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ 1000 मल्टीप्लाइड विथ 2500.0775 6.3 × 10⁻¹⁹ फैरड, यही इक्वल हो जाएगा 6.3 नैनो फैरड। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमने 4 पार्ट्स इसके कंसीडर कर लिए। बोलो कोई डाउट यहाँ तक।